नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवीडी पोस्टर में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मायासुर कैसे तक्षक का साथ छोड़ के जा रहे हैं। उधर देवराज इंद्र अपने प्रसाद पुत्र को समझा रहे हैं कि तुम हट छोड़ दो, युद्ध यही समाप्त कर दो, इस क्षेत्र को छोड़ के निकल जाओ क्योंकि मुझे इस क्षेत्र का संरक्षण प्राप्त है। ये सारी वार्तालाप होते हुए अर्जुन के बहुत ही प्यारे सवाल जवाब इन सारी चीजों के बीच में युद्ध आरंभ होने वाला है। होने वाला नहीं, हो चुका है। हाँ, मतलब जवाब दिया जा रहा है, बराबर टक्कर दे रहे हैं अर्जुन। उधर से वर्षा का हथियार डाला गया तो इधर से अग्नि का हथियार मॉलिक्यूल्स में बदल दिया गया, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हुआ वहां पे। अब वज्र का हमला होने वाला है तो आइए देखते हैं क्या मायासुर के साथ घटना घटने वाली है। चलते हैं एपिसोड 124 पार्ट 2। कहां जा रहे हो मायासुर? तुम्हारी पहुंच से दूर, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इतने वर्ष आनंद से रहने के पश्चात मेरा साथ छोड़े जा रहे हो? तक्षक, व्यापार था तुम्हारे साथ मेरा, लेन देन था हमारे बीच, किंतु प्राणों के संकट की घड़ी है। सारे डील कैंसिल कर सकते हो, न मैं तुम्हारा। अब मैं पांडवों की शरण में जा रहा हूँ। माफी का मुजरा नहीं, अच्छी बात। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो समय रहते परिस्थिति को भांप ले और उसके अनुकूल कार्य करे, प्रतिकूल कार्य। वज्र से पहले कुछ और ट्राई कर लेते हैं। इतना बड़ा पर्वत, समान चट्टान फेंक दिया ना। टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो टुकड़े भी तो इन्हीं के ऊपर गिरे हैं ना। यवन की तरफ ढकेल दिया, यहां टूटे हुए उसी तरफ गिरेंगे। अर्जुन ही ऊपर गिर गए, एक तो छोटे छोटे लग रहे थे आसमान में। ये कार्य तो अर्जुन पहले भी, अच्छा यहाँ भी गिरा भाई, गिरा। ये भी नाच रहे हैं। बिल में चले जाते यार। अरे अर्जुन का तनाव तो बाहर ही रह गया, दब देना पत्रों में। नहीं तो एक बार और हो चुका है ना ये चीज अर्जुन के साथ, और सब वो बच गए थे अचानक, तो तब भी हुआ भाई। अचानक अलग अलग चीज है। उस समय उन्होंने बाणों का छत्र बना लिया था, लेकिन पत्थर को चूर चूर करना था, वो ऑलरेडी चूर चूर होके गिरे थे। मन करता है धनुष लेके हम भी पहुंच जाए वहां। बहुत सामर्थ्य भाई। परमपिता भगवान इंद्र,
आप ही का पुत्र हूं मैं, आपकी पुत्री, देवसेना के पति स्वामी कार्तिकेय का भक्त हूं मैं। क्या बात है यार, इतनी आसानी से तो नहीं हारूंगा। इतनी सरलता से पराजित नहीं होगा मैं। पराजित नहीं होगा भगवान इंद्र। इनको मतलब गुस्सा भी आ रही होगी, गर्व भी हो रहा होगा। गर्व भी हो रहा होगा, सही बात है। भाई मुझे लग रहा है अब जो है वज्र का क्रिएशन कर रहा आ गया। महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना हुआ अब कैसे क्या होगा। भगवान इंद्र, ये आपके और आर्य के सामर्थ्य की प्रतियोगिता नहीं, हमारे प्रजाजनों के लिए जीवन दान मांग रहे हैं आर्य, आपका अपमान करने की चेष्टा नहीं। वज्र नहीं भगवान, कृपा दृष्टि दिखाइए। वज्र के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं। अर्जुन फिर भी तत्पर है यार। हे दिव्य वज्रास, मैं आपको प्रणिपात करता हूं, मेरे दिव्य अस्त्र का सम्मान करके शांत हो जाओ। इसका कोई ऑप्शन होगा नहीं। वज्रास्त्र देव इंद्र के पास लास्ट ऑप्शन था जान, मुझे ऐसा लगता है लास्ट ऑप्शन ही है। इमेजिनेशन ही देखना है बस। त्राही माम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आओ आओ आखिरी बार, अरे सुदर्शन आ गया। आ गए वासुदेव श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। खत्म सब खत्म टॉपिक के। अब जो भी हल निकलेगा वो वार्ता से निकलेगा। भगवान वासुदेव का एक चीज तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपना सामर्थ्य पहले ला के रख देते हैं, कहते हैं हम बात करो। बहुत दिनों पश्चात है ना। नहीं यार, शीघ्र ही मुलाकात है, दो ही दिन तो हुए हस्तिनापुर से निकले हो यहाँ। अरे हमें तो एपिसोड में काफी टाइम लग गया। वी आर सीइंग फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। अभ्युत्थानम्।
तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने एक बार कहा भी था महाभारत के पूरे प्रकरण में, मैं चाहता तो मैं पूरे महाभारत को एक क्षण में समाप्त कर सकता था। सोचो, केवल इमेजिन करो कि पूरे महाभारत में कितने वीर योद्धा थे, कितने वीर। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, कर्ण, पितामह, भीष्म, शकुनी, जितने लोग थे उसके बाद उधर जयद्रथ, ढेर सारे लोग उधर और ढेर सारे लोग इधर, एक क्षण में खत्म कर सकता था भाई। हमारे ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र अगर किसी देवता के हैं तो वो देवराज इंद्र के ही मंत्र हैं। और देवराज इंद्र इतने शक्तिशाली देवता है कि जिसकी परिकल्पना कर पाना मनुष्य जाति की जब शुरुआत हुई थी तभी बड़ा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं इस चीज को कि जिन्होंने पंच तत्वों पर अपना सारा ज्ञान अर्जित कर रखा हो, जो उन्हीं के मालिक हो, उनसे जीत पाना तो मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई। लेकिन उन्हीं के प्रसाद स्वरूप थे तभी इतना पराक्रम था। अभी देखना यह है कि वासुदेव श्री कृष्ण तो आ ही गए हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैं वासुदेव श्री कृष्ण इस युद्ध को, महाभारत के युद्ध को एक क्षण में समाप्त कर सकता था, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूं। तो ये सब चीजें जो है वो वासुदेव श्री कृष्ण के लिए तो तिनके के समान है, और आते ही उन्होंने दिखाया कि सुदर्शन फेंका और मामला वहीं खत्म। लेकिन आगे की जो भी जनरेशन थी उनके लिए एक वो क्या कैसे मिलता कि हाँ सीख कैसे मिलती, सीख कैसे मिलती, स्थापना करने के लिए कितने लोगों ने त्याग दिया, त्याग क्या क्या दिया, गलतियां थी उनकी, ये सब चीजों का एक पूरा महा वेश जो है ना, महासंगठन, उसी को महाभारत कहा जाता है। फिलहाल इस एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि कैसे देवराज इंद्र वज्र का प्रहार कर रहे हैं अर्जुन पे, और अर्जुन भी देव्यास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अचानक से वासुदेव श्री कृष्ण आते हैं और वो सब रोक देते हैं। इन सब के बाद अभी भी हम देख रहे हैं कि तक्षक वन में ही है और उन्होंने अपना हट नहीं छोड़ा है। देखना यह होगा कि किस प्रकार से ये सारी तालमेल बैठाते हैं वासुदेव श्री कृष्ण। जानने के लिए चलेंगे हम अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड से हम यही विदा लेंगे, जल्दी लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।